गाइस अभी न्यूज आ रही है कि एयरटेल पबजी को लेने वाला है। इससे पहले न्यूज आ रही थी कि जियो की हो जाएगी पबजी, उसके बाद बैन हट जाएगा। तो अभी भी बोला जा रहा है कि एयरटेल अभी लेने वाला है और उसके बाद पबजी से बैन हट जाएगा। बट गाइस क्या सच में एयरटेल पबजी को लेने वाला है, क्या सच में पबजी मोबाइल से बैन हट जाएगा और क्या सच में इंडिया से बैन हटने वाला है? तो गाइस एक इसकी अलग ही खबर है। गाइस क्या हम जानने वाले हैं क्या एयरटेल सच में पबजी को लेने वाला है, क्या सच में इंडिया के अंदर से पबजी का बैन हट जाएगा, इंडिया के अंदर पबजी का बैन कब हट सकता है? तो उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस पबजी मोबाइल 118 एप्स में शामिल थी जो कि चाइनीज थी। उसके बाद साउथ कोरिया ने चाइना से पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है उनकी टेंसेंट कंपनी से। उसके बाद ये जो गेम है पबजी मोबाइल, ये अब चाइनीज गेम नहीं रही है, ये सिर्फ साउथ कोरिया की होके रह गई है। बट गाइस अभी भी पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन है। बट गाइस आप देखोगे तो सभी लोग पबजी को खेल पा रहे हैं बैन होने के बाद भी इंडिया के अंदर, क्योंकि गाइस पबजी को ब्लॉक तो नहीं किया गया है, उनके कोई भी सर्वर को ब्लॉक नहीं किया गया है। जैसे कि टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया गया था उनके सभी सर्वर्स को, ताकि आप उसका यूज भी ना कर पाओ। पबजी मोबाइल को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से हटाया गया है। आप अब भी पबजी मोबाइल को अपने मोबाइल के अंदर खेल सकते हो और मोस्टली लोग पबजी मोबाइल को अपने मोबाइल के अंदर अब भी खेल रहे हैं बैन होने के बाद। गाइस पबजी मोबाइल को अनबैन करवाने के लिए अब साउथ कोरिया इंडिया के अंदर कोई कंपनी को ढूंढ रही है ताकि वो उनसे पार्टनरशिप कर ले। जैसे कि साउथ कोरिया की टेंसेंट के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप थी, जिसके हिसाब से यहाँ पर पबजी चलती थी, उसी हिसाब से यहाँ पर भी वो ढूंढ रहे हैं। पहले जियो की बात चल रही थी कि जियो ले ही लेगा पबजी मोबाइल को। सब जियो और पबजी मोबाइल की यहाँ पर खबर लगभग बंद हो चुकी है और बोला जा रहा है कि जियो की और पबजी मोबाइल की जो बातें हैं वो कैंसिल हो चुकी है, जियो नहीं लेने वाला है पबजी मोबाइल को। बट गाइस अभी और न्यूज आ रही है कि अब एयरटेल से पबजी मोबाइल वाले बात कर रहे हैं इसकी पार्टनरशिप के लिए। गाइस अभी फिर से दोनों की ओर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। जैसे कि जियो की ओर से ना बात को स्टार्ट करने का कोई स्टेटमेंट आया था, ना बात को एंड करने का स्टेटमेंट आया था, और एयरटेल के साथ भी ऐसा ही है, बात को स्टार्ट करने का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये सच में पार्टनरशिप करेंगे। ऐसे अफवाह भी हो सकती है क्योंकि गाइस कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है एयरटेल की ओर से, ना ही पबजी मोबाइल की ओर से। बट गाइस साउथ कोरिया बात कर रही है इंडियन कंपनी से पार्टनरशिप के लिए। अभी पबजी मोबाइल के डाउनलोड के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गाइस इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल के काफ़ी ज़्यादा यूजर्स थे, प्ले स्टोर के ऊपर से काफ़ी सारे लोग उसको डाउनलोड करते थे, बट अब इंडियन प्ले स्टोर के ऊपर तो है ही नहीं पबजी, तो गाइस इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? बट गाइस आप पबजी मोबाइल को फिर भी खेल सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी जो अभी भी आपको पबजी मोबाइल को डाउनलोड करने का लिंक दे रही है, और काफ़ी सारे लोग इनका यूज करके डाउनलोड कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। बट गाइस अभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या सच में एयरटेल की डील होने वाली है पबजी मोबाइल से, या फिर पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर वापसी कर सकता है? पबजी मोबाइल की और एयरटेल की डील है उसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो गाइस ये अफवाह भी हो सकती है। तो गाइस कोई भी कंफर्म नहीं है कि लेगा या फिर नहीं लेगा। गाइस जियो काफी बड़ी कंपनी है, उन्होंने ही नहीं लिया है, तो गाइस एयरटेल के भी चांस यहाँ पर काफी ज्यादा घट जाते हैं। गाइस यहाँ पर डील ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण है वो है इंडियन गवर्नमेंट। गाइस इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि वो पबजी मोबाइल से बैन हटाने के लिए अभी तैयार नहीं है, यानी कि पबजी मोबाइल के बैन को परमानेंट किया जा सकता है। गाइस अभी लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि क्या पबजी मोबाइल के ऊपर से बैन हट सकता है, क्या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर दोबारा पबजी मोबाइल आ सकता है? तो गाइस ये ना तो जियो के ऊपर डिपेंड करता है, ना एयरटेल के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही कोई और इंडियन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। गाइस ये डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है इस बैन के ऊपर, बट गाइस काफ़ी सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये बोल रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं हटाने वाली है, पार्टनरशिप होने का मतलब ये नहीं है कि बैन हट जाएगा। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि पबजी मोबाइल का अगर इंडियन कंपनी के साथ कोलैब हो जाए तो गाइस उसका बैन हट जाएगा, तो गाइस जरूर कोई इंडियन कंपनी उसको ले लेगी। गाइस पबजी मोबाइल गेम को ब्लॉक नहीं किया गया है, वो अभी भी काम कर रहा है, आप अभी भी खेल सकते हैं। तो गाइस एयरटेल और पबजी मोबाइल के बीच में जो डील है उसके कोई भी चांस नहीं है कि वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। कमेंट करके बता सकते हैं क्या इंडिया के अंदर से बैन हटना चाहिए पबजी मोबाइल के ऊपर, और कौन सी इंडियन कंपनी है जो पबजी मोबाइल के साथ डील कर सकती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।